Assalamualaikum guys, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? बेसिकली ऑन माई बैक साइड देयर वॉज अ लाइटनिंग जो कि काफ़ी तेज़ थी, जिसने मैं ज़रा वहाँ देख रहा था। सो हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेफ होंगे, शॉक्ड होंगे, तीन हो गया, और विदाउट एनी तैयारी होंगे और उदास भी शायद होंगे। तो इन सब पॉइंट्स के पीछे जारी बात है, कुछ ना कुछ रीजंस भी हैं जिनमें से है बेसिकली इस एरिया के अंदर लाइटनिंग हो रही है काफ़ी तेज़ किस्म की, और यू कैन ऑल्सो हेयर द थंडर्स एंड आई एम वेटिंग फॉर द लाइटनिंग टू अपीयर। आई एम नॉट श्योर कि कितनी देर में और कब यहाँ पे दोबारा। तो इस वक्त जो है मौसम इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक तरफ जो है वो बादल हैं, एक तरफ जो है वो आसमान इज़ वेरी क्लियर, तो वेरी डार्क क्लाउड्स। सो आई वाज सेइंग कि आप लोग जो हैं सारे इस वक्त काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मुब्तला होंगे। ठीक होना, हैर हरियत से होना, वो तो आपको पता है कि क्यों होना है और कैसे होना है। शौक में होंगे क्योंकि अचानक से ही ईद का ऐलान हुआ और बहुत लेट हुआ। परेशान और विदाउट एनी तैयारी इसलिए होंगे क्योंकि तैयारी किसी की भी नहीं थी। तो तैयारी जो है वो किसी की भी नहीं थी, किसी को भी नहीं था पता कि आज जो है वो ईद होगी, और इवन कि मैं ख़ुद भी किसी किस्म की तैयारी में नहीं था, ना मैं हूँ, ना मैंने शॉपिंग की। गलती से मैंने 5 शर्ट्स जो हैं वो ऑर्डर की थी ऑनलाइन, बट वो सब के सब आई स्लिम फिट में। आई एम नॉट स्लिम, दोज शर्ट्स डिडंट फिट, सो स्लिम फिट इज़ नॉट फॉर मी। अभी जो है वो सीन यही है कि मौसम जो है वो काफ़ी मिक्स्ड अप सिचुएशन में है, एज़ यू कैन सी ऑन माई बैक साइड कि यहाँ पर डार्क क्लाउड्स हैं और यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा सा क्लियर है। तो बात यह है कि अभी तो हो रहा है ईद की अज़ान का वक़्त, तो मुझे नहीं पता कि नमाज़ कहाँ कहाँ हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही, और बारिश जो है वो भी हल्की हल्की हो रही है। और इसके बाद मैं आपको मिलूँगा अब तैयार श्यार हो। तो इसके बाद जो है मैं आपको मिलूँगा तैयार श्यार होके सुबह का टाइम। सुबह तो अभी भी है लेकिन यू नो के वो टाइम। सो वेलकम बैक गाइस, आई होप कि आप लोग अपने घरों पे कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, अल्लाह करे। तो बाहर तो कुछ करने के लिए नहीं है। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले घर पे, यानी कि इस वाले घर में, जो कि बेसिकली है मेरी नानू मम्मी का घर, तो वो इतना दूर यानी हमसे नहीं है। वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और क्योंकि हमारी जो बेसिक ईद होती है वो हमारी इस वाले घर में ही होती है। यहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमें खाना वगैरह करना होता है वो फिर हमारा नानों के घर होता है। तो बात यह है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम खाएँगे गोलगप्पे जो कि अभी बन रहे हैं, और मुझे सिर्फ एक खाली गोलगप्पा मिला था तो मैं वो जल खा के खोड़ा। तो गोलगप्पे बेसिकली मिल नहीं रहे थे, लेकिन लुक एट दिस, द होल सैक इज़ फुल ऑफ गोलगप्पास, एंड मैंने भी काफ़ी सारे इसमें प्लेट में डाल के तो मैं दे आया हूँ अंदर, जो कि बनाए जा रहे हैं, और फिर जो है मैं मज़े से खाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो एक तरफ जहाँ पे गोलगप्पे फिल किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खाना पकड़ा, विच इज़ कौरमा एंड चिकन, और साथ पता नहीं चावल होंगे या रोटियां होंगी या क्या होगा। तो साथ मुझे भी पता लगा कि साथ मुतंजन भी है और रोटियां भी हैं और गोला कबाब भी है, शामी कबाब हैं, चिकन के कबाब हैं, चिकन रोल्स हैं। यहाँ पे जो है इस वक्त गोलगप्पे बनने जा रहे हैं, पता नहीं कब तक बनेंगे, मैं तो देख ही रो रहा हूँ। तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78,
17 गोल गप्पे 2 महीने का लिखा है।
18 19 एक रह गया प्लीज ठहरो। तो हम जो हैं वो गोलगप्पे 20 पूरे कर लेंगे एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर गोलगप्पाज। एक तरफ चिकन, एक तरफ कोरमा, एक तरफ गोलगप्पे। ओफ ओफ फाइनली माई गोलगप्पाज आर ओवर हियर और अब मैं इनको जो है मज़े मज़े से खाऊंगा। लुक एट दिस गोलगप्पा, सो फ्रेश एंड फिल्ड ऑफ एवरीथिंग। तो जी सीन कुछ ये है कि कुछ भी नहीं है करने को, और वैसे तो हर ईद पे ऐसा होता है कि जब सुबह ईद की नमाज होती है तो उसके बाद राइट आफ्टर इट आदिल भाई जो हैं वो हमेशा मुझे मिलने आते हैं ईद सुबह के टाइम, बट इस टाइम वो नहीं आए क्योंकि वो कहीं और बिजी थे। आई मीन टू से कि किसी और को मिलने गए थे, लाइक नॉट इन अ बैड वे, बट आई थिंक कि इस टाइम वो थोड़ा सा मसरूफ़ थे और इसलिए वो इस दफ़ा नहीं आ सके। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि हम जाके तो शाज़ेब और शरोज़ को ईद मिलते हैं। ईद तो हम मिलेंगे दूर दूर से, बट फिर हम ईद मिलके थोड़ा सा शूट करेंगे क्योंकि आज हमने पहने हैं साफ कपड़े। अस्सलामुअलैकुम। तो जी हम आ चुके हैं शरोज के घर और शरोज की हालत देखें। नहीं नहीं बेटा मेरी बात सुनो, जो तुम छुपा रहे हो वही तो साफ लग रहा है, वही तो सही लग रहा है। शरोज भाई ये क्या हालत बनाई हुई आपने? यार बस मैं सो के उठा हूँ अभी, ईद है आज। मैं सुबह 10 बजे सो गया था। अच्छा क्या शर हो के फ्रेंड्स का वेट करते करते। तो फ्रेंड्स आए कि नहीं आए? नहीं अभी भी नहीं आए। तो फिर ये 3 ग्लास यहाँ पे क्यों पड़े हैं ये पता नहीं। ओ मुझे तो याद आया कि आप लोग तो ईद वाले दिन जो भी आता है बंदा उसको आप कोक पिलाते हैं। यस, और जितनी बार आता है उसको कोक पिलाते हैं। कोक के वो है ना सप्लायर्स हैं। अच्छा अच्छा वैसे तो मेरा एक राउंड जो है वो काउंट हो गया ना, एक दफा मैं आ गया हूँ। हाँ तो मैं एक मिनट में दोबारा आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? इन 2 ग्लास हो गए मेरा, ठीक है। तो आपकी कैसी ईद गुजर रही है? बस यार ईद गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कब उठाऊं? 4 बज गए हैं। मैं उठाऊं 12 बजे। आपकी दूसरी आइटम कहाँ है? वो सोया हुआ है अभी, उसको उठाओ कि हम जाके उठाएं। किधर उठेगा? तो हम जाके उठा देते हैं उसको। वो भी सोया था अभी तकरीबन 11-12 बजे ना, दोस्तों के साथ प्लान है। यार कोरोना वायरस में तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं पिक्चर्स वैसे ही लेने का, सिटी हाउसिंग का। अच्छा 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 अच्छा। नहीं मैंने भी खींच नहीं, मैं तभी तो आया हूँ। मैंने कहा साथ ईद मिल लूंगा, साथ जो है वो शूट भी हो जाएगा। नहीं मुझे ऑफर थी वैसे ना, हुमायज ने कहा था जो साथ नहीं मेरे होता ब्लॉगर फोटो एडिटर फोटोग्राफर टेक रिव्यू चैनल, तो वो उसने मुझे कहा था कि हम करेंगे शूट, लेकिन ये है कि फिर हम सुबह उठे ही नहीं बहरहाल, तो अभी हम फोटो शूट कर लें फिर। तो जी मैं तो सो गया हुआ था बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू, लेकिन अभी माशाल्लाह आदिल भाई और बासित भाई ये जनाब हमें ईद मिलने आए हैं। लास्ट टाइम भी आदिल भाई ने और मैंने कपड़ों की ट्विनिंग की थी, लाइक वी वर वेयरिंग सेम शलवार कमीज, और इस दफ़ा भी सेम तो नहीं है बट ब्लैक है। ये क्या राज है इसके पीछे? आप ब्लैक क्यों पहन रहे हैं इस दफ़ा? वाई? ब्लैक तो मेरा शुरू से फेवरेट कलर है। अच्छा तो मैं ब्लैक बहुत ज़्यादा वेयर करता हूँ। अच्छा लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ये भी कह सकते थे कि हमारा आपस का प्यार है ये कि हम दोनों ब्लैक पहन रहे हैं। अच्छी अच्छी बात भी आप शायद जी झूठ बात है, क्या झूठ बात है। बहरहाल ये इनके ड्रामे ही हैं जो चलते रहेंगे यार। नो हग्स नो हग्स नो हग्स नो पपियाँ नो जफियाँ। बहरहाल ये है कि अभी हमजा भाई ने भी आना है, उनका भी हमने मिलना है, और देखते हैं अभी हम क्या करते हैं। लेट्स सी। ये देखिए मैं सुबह भी शज़ेब को मिलने गया था और तब उसने सनी ने बताया कि वो सो रहा है, और अब जब हम दोबारा उसको मिलने आए तो उसने कहा जी मैं घर पर नहीं हूँ, मैं सिटी हाउसिंग आया हूँ, हालाँकि ये सिटी हाउसिंग में नहीं था। ये देखें ये जो है ना इस वक्त ये सिटी हाउसिंग है।
ये सिटी हाउसिंग है, ये है हयाबान इकबाल पार्क, और ये है जी सिटी हाउसिंग। इसका 5 से 10 मिनट में आए हैं सिटी हाउसिंग स्कीम से। आंख मार ली है मैंने, आंखें मारी पूछ लें से। उसामा जब पूछ लो यार। ये जी उसके सारे फ्रेंड्स हैं शजैब के, अपना अपना नाम बता दें। तुम भी उतैफ ही हो? नाम अच्छे वाले से क्या मुराद है तुम्हारा? क्या चीज़ अच्छे वाले से क्या मुराद है? तो उसको क्या बता रहे हो जाफर को? अच्छा अच्छा, तो अभी जो है हम आदिल भाई का यहाँ पे करेंगे शूट, और मसला जो है वो ये हुआ है कि मैं सिर्फ आया था इनको मिलने के लिए घर से बाहर, इनको रिसीव करने आया था। फिर हम आगे आ गए, वहाँ पे हम फिर शजैब को मिलने आ गए, वहाँ से हमजा भी आ रहा है। तो अब हमने सोचा कि हम यहाँ पे ही जो है वो फ़ोटो शूट कर लेंगे। तो मैं अब आदिल भाई की फ़ोटोज़ खींचने लगा हूँ। एक और मसला ये है कि मेरी जो चप्पल है दिस वन, मैंने चेंज कर ली है, और अब जो हमजा है वो मेरे घर के बाहर है। उसको मैंने कहा कि मेरे घर से चप्पल ले आए, फिर हम सारे यहाँ पे ग्रुप फोटोज भी ले लेंगे। आदिल भाई रेडी? वो देखें जी, वो सामने हमारे हमजा भाई भी आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आ गए मेरे जूते लेके। तो जी बात ये है कि फ़ोटोशूट तो हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये है कि उसके बाद हमने सोचा कि हम खाएंगे आइसक्रीम, बट अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइव थ्रू था दैट हैड अ वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ कार्स, तो जिसमें टाइम बहुत लग जाना था, तो इसलिए हमारा जो प्लान है आइसक्रीम का वो कैंसिल हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये है कि हमारा जो ईद का पहला दिन है वो ऐसे ही घर पे बैठे बैठे लेटे लेटे सोते सोते गुजरा है। और नहीं, आप लोगों ने फ़न किया, मैं तो घर पे अकेला था ना। तो ये है कि अभी हमजा भाई भी पीछे पीछे आ रहे हैं, और ये जी हमारे पीछे पीछे हमजा भाई आ रहे हैं। हेलो हमजा भाई। तो ये है कि अब हम लोग घर पे जाके थोड़ा सा बैठेंगे, कोई बातचीत करेंगे, और फिर जो है हमारी ईद का फर्स्ट डे हो जाएगा ख़त्म। तो आई हैव जस्ट बाइड कॉर्नेटोस फ्रॉम माई एरियाज कैंटीन, और अब हम इनको खाएंगे, और यही हमारी ईदी की ट्रीट है, ईदी की पार्टी है। What's up guys? तो अब सीन कुछ ये है कि मैं अपने घर से निकल के तो जा रहा था सदर वाली साइड पर, बिकॉज आई हैव टू बाई सम मेडिसिन, और रास्ते में जो है वो मेरे आता है हार्डीज, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, और जिस रोड के ऊपर हार्डीज है मैं उसको पिछले 20-25 सालों से देख रहा हूँ, 25 तो नहीं है, 20 सालों से उस रोड को देख रहा हूँ। वहाँ पे आज तक कभी भी रश नहीं हुआ, बट आज वहाँ पे इतना रश है, इतना रश है जिसका हिसाब नहीं है, और लोग, मेरी बात है लोगों से ही रश होना है, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों के अंदर भी नहीं हैं, और बाहर बाहर भी हैं लेकिन अंदर भी हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर भी हैं, लेकिन जो हार्डिस की बाहर वाली साइड है, जो उनका एरिया है, वहाँ पे भी है। यहाँ से ट्रैफिक ड्राइव टू स्टार्ट होती है। ओह माय गॉड, इधर भी है और इधर भी है, और सेंटर में लोग हैं वो खड़े, और ये सारा, और इतना रश है यहाँ पे, मैंने आज तक कभी भी इतना रश इस रोड के ऊपर नहीं देखा। बाहर ओ माय गॉड, कितना गंद डाला हुआ है। सही बात है, मतलब कि क्या हाल किया कैंट का लोगों ने, इतना साफ सुथरा सा हमारा कैंट है छोटा सा, उसको भी बहरहाल अब सीन कुछ यूँ है कि घर मेरा आने वाला है, तो आज की जो हमारी जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो कि हमने घर बैठ के ही की हैं, घर से बाहर हम नहीं गए सिवाय एक फ़ोटोशूट के, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और एक बार फिर सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और ईद को जो है वो कोशिश करें कि घर बैठ के ही चंद लोगों के साथ अच्छे तरीके से गुजारें। तो आज का जो व्लॉग है वो यहाँ तक ही है, हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ईद को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।